It lucky but true. तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचान। तो यार फिलहाल सीन ऐसा है कि यार हर एक मैच में कम से कम एक या दो हैकर्स बैन हो ही रहे हैं। और यार आज मैं गेम खेल रहा था यार पहले के मुकाबले तो मेरे को काफी कम हैकर्स आज देखने को मिले। सबसे पहले तो एमके जोकर भाई को एक बड़ा वाला शाउट आउट। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो जल्दी से 100 के अपने को कम्प्लीट करवा दें। तो यार 100 के लिए आप लोगों का भाई थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यार ये वाले गेम प्ले की बात कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं जोन के अंदर जा रहा था तो यार एक बंदा जोन के बाहर ही होल्ड कर रहा था, लेकिन मेरे को उसके फर्स्ट स्टेप आ जाते तो थोड़ा सेफ मैं हील करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। और यार ये वाले गेम में एक हैकर भी था जो कि यार बहुत गलत बंदों को मार रहा था। तीन बंदे शायद से टीम अप कर रहे थे यार, उस बंदे ने तीनों बंदों को एक ही टाइम पे मार दिया था। लेकिन यार अपनी किस्मत अच्छी थी कि यार वो वाला बंदा भी थोड़े टाइम में यहाँ पे लाइव बैन होने वाला है। तो यार आज वाले गेम प्लेस पूरे देखना, काफी आपको मजा आने वाला है। अब यार ये बंदे ने भाई एक अपने को हेडशॉट कनेक्ट कर दिया था और अपनी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी लो हो चुकी थी। अब यार यहाँ पे पीछे वाली साइड पे बंदों की फाइट हो रही थी। अभी जो किल फीड पे नाम आता है भाई यही बंदा हैकर था, तो मैं समझ गया था ये बंदा अपने पीछे वाले कंपाउंड्स पे कहीं है। तो मैंने सोचा ये वाला शायद यहाँ पे मेरे को खाली दिखता है, मैंने सोचा यहीं पर रुक के अभी हील करने का ट्राई करते हैं। अब यार यहाँ पे सीन ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही हेल्थ किट थी, तो यार इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि बाहर बैंडेजेस पड़ रखी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से भाई यहाँ पे बैंडेज उठा के अंदर आ जाता हूँ। अब यार यहाँ पे क्या सीन होता है कि ऊपर वाली साइड पे एक डासी आके रुकती है। तो यार मेरे को लगा शायद से भाई ये बंदा हैकर हो सकता है, तो जल्दी से अभी यार यहाँ पे हील कर लेता हूँ। लेकिन यार इसके बाद किल फीड पे वो हैकर का नाम आता, तो यार ये बात मैं समझ गया था कि यार ये वाला बंदा तो हैकर नहीं है। अब यार सामने वाली साइड पे एक मेरे को अभी बंदा स्पॉट हुआ था, ये बंदा शायद से किसी और बंदे को किल कर देता है। तो यार ये वाले कंपाउंड पे भी एक बंदा था, तो इसकी बग्गी के टायर यहाँ पे मैं फोड़ देता हूँ। अब यार यहाँ पे बग्गी वाले बंदे को दो हेडशॉट पड़ गए थे, लेकिन यार फिर भी वो बंदा बच के निकल जाता है। उतने में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक हैकर भी बैन हो चुका था। अब यार ये वाले बंदे को तो जैसे जैसे यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब यार ये गाड़ी वाले बंदे को मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन यार वो बंदा भाई अपनी गाड़ी खुद ही से ठोक के वहाँ पे भाई फिनिश हो जाता है। अब यार यहाँ पे जो हैकर स्टार्टिंग से भाई बहुत बंदे मारा था वो प्ले जोन से फिनिश हो जाता है, तो मैं समझ गया था यार वही वाला हैकर बैन हुआ था। अब यार यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी, तो मैं सोचा जो पीछे साइड पे गाड़ी वाला बंदा फिनिश होता है उसको लूटने का ट्राई करता हूँ। लेकिन यार अभी मेरे को ऊपर वाली साइड से एक और बग्गी की साउंड आ जाती है।
अब यार यहाँ पे सामने वाली साइड पे अपने बंदे से, तो यार ये बंदों का व्यू ब्लॉक करने के लिए एक मैं रैंडम सामने की साइड पे स्मोक कर देता हूँ। अब यार यहाँ पे टोटल चार ही बंदे लाइव थे, तो एक बंदा तो मेरे को बता था सामने की साइड पे कहीं, और एक बंदा मेरे को राइट साइड में भी स्पॉट हो रहा था। तो यार राइट साइड में जो पत्थर था उसके साथ में बंदा लेट रखा था, मैं चाहता तो उसको इजी फिनिश कर सकता था, लेकिन यार फिर भाई ये वाले बंदे को अपनी लोकेशन पता चल जाती तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। अब यार यहाँ पे राइट साइड में जोन के बाहर फाइट होती है बंदों की, तो यार एक बंदा वाले एम4 से फिनिश करता है, मेरे को लगा वो वाला बंदा भी जोन के अंदर आने की ट्राई करने वाला है। और यार यहाँ से मेरे को स्कोप खोल गया, ऐसा लग रहा था क्या साइड से गाड़ी के अंदर वो बंदा बैठ रखा है, लेकिन यार वो वाला बंदा शायद से पहले फिनिश हो चुका था लेकिन यार किल फीड में नहीं आया था। तो यार आजकल कई बार किल फीड का भी ग्लिच हो जाता है, क्योंकि यार यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो सिर्फ मेरे को छोड़ के एक बंदा ही और अलाइव था। अब यार यहाँ पे जोन तो मेरे ऊपर ही बन चुका था, लेकिन दिक्कत वाली बात भाई ये थी कि यार उस बंदे पे थोड़ा सा रिस्क था, तो मेरे को भाई वो बंदा आके फिनिश कर सकता था। अब यार इतना तो मेरे को आइडिया था कि बंदा सामने की साइड पे कहीं है, तो मैं सोचा थोड़ा सा इस बंदे पे पुश करने का ट्राई करता हूँ। तो यार लास्ट बंदे को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया, तो यार ये वाले मैच के बाद एस अपनी हो चुकी थी और 21 का प्लस अपने को ये वाले मैच में मिला। तो अभी चल लेते हैं यार अपने सेकंड गेम प्ले पे। तो यार ये वाले गेम में स्टार्टिंग में ही एक हैकर बैन हो गया था, उसके बाद मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद यार ये वाले गेम में कोई और हैकर नहीं है। अब यार ये गाड़ी वाला बंदा मेरे को लगा शायद से पहले फाइट लेने की ट्राई करने वाला है, लेकिन बंदा भी निकल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जोन बनने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं सोचा जोन पहले बनने देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट जोन में जाके पोजीशन होल्ड करते हैं। अब यार यहाँ पे जैसे जैसे जोन के सेंटर वाली साइड पे मैं आ जाता हूँ, और यार ये वाले मैच में एंड जोन पोचिंकी में बन रखा था, और अगर यार कभी भी एंड जोन पोचिंकी में बनता है तो यार थोड़ा मतलब सावधानी से खेलना, क्योंकि आपके कंपाउंड में आपके साथ एक बंदा लेट रखा होगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। अब यार ये वाला बंदा मेरे को लगा शायद से मेरी वाली साइड आने का ट्राई करने वाला है, तो मैं इसमें फाइट नहीं लेता हूँ, लेकिन यार ये बंदा भी स्नाइपर टावर के नीचे वाली साइड पर चला गया था। अब यार यहाँ पे स्नाइपर टावर वाले बंदे को कोई और बंदा नेयर से फिनिश कर देता है। फिलहाल के लिए सामने जो ट्रिपल स्टोरी थी वहाँ पे भी एक बंदे के मेरे को फुट स्टैप आते हैं। अब यार यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दो बंदे थे, यार दोनों बंदे ही जोन से फिनिश हो जाते हैं। तो अब यार ये ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे मैं सोचता हूँ एक और नेड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उतने में यार वो बंदा नीचे वाली साइड जाता है। अब यार ये बंदा ऐसे ओपन में मेरी साइड पता नहीं भाई क्यों आ रहा था, क्योंकि इसको लोकेशन तो मेरी पता होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले मैंने लेफ्ट साइड वाले बंदों पर शॉर्ट्स भी लिए थे। फिलहाल के लिए यार मेरे को बता था लास्ट में हिल बैटल हो सकती है, तो यार ये वाले बंदे से अच्छी खासी अपने को फर्स्ट एड्स मिल जाती है।
अब यार ये वाला कंपाउंड यहाँ पे अभी के लिए जोन के अंदर था, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और मेरे को पता था यार अभी लेफ्ट साइड से जोन के बाहर से भी बंदे आने वाले हैं। अब यार यहाँ पे एक बंदा तो आगे वाली साइड पे वॉल पे कहीं था, और एक बंदे के फुटस्टेप मेरे को सामने वाली वॉल से आ रहे थे, और अभी वो बंदा मेरे को स्पॉट भी हो जाता है। अब यार ये बंदा यहाँ पे सामने की साइड पे एक बंदे को मॉली से फिनिश कर देता है। अब यार यहाँ पे मैंने अपने नेट से डैमेज खा लिया था, लेकिन लकीली जैसे जैसे जोन के अंदर मार जाता हूँ, अभी दो बंदे यहाँ पे लाइव थे, तो एक बंदे के फर्स्ट टाइम को सामने वाले कंपाउंड से आ रहे थे, और एक बंदे के फर्स्ट टाइम को लेफ्ट साइड से कहीं से आ रहे थे। अब यार यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बंदा था वो बंदा कंपाउंड के अंदर भी आ चुका था, लेकिन ये बंदों की फाइट नहीं होती है, तो मेरे को पहले तो ये लगा कि शायद से दोनों बंदे टीम अप कर रहे हैं। अब यार यहाँ पे एक बारी मैं नेट पिन करके चेक करता हूँ, लेकिन यार अब जो लास्ट बंदा था बिल्कुल भी यहाँ पे साउंड वाउंड दे नहीं रहा था। अब यार यहाँ पे दोनों साइड पे मैं नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन यार ये बंदा फिनिश नहीं होता है, तो मैंने सोचा अब थोड़ा इसकी साइड पे पुश करने का ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पे मैं नेट तो ट्राई करता हूँ, लेकिन यार वो बंदा शायद से पीछे की साइड पर कहीं पे कूद गया था। अब यार यहाँ पे मेरे को बंदे के मैप पे फर्स्ट स्टेप आते हैं, तो मेरे को लगा शायद से ये डोर के पीछे बंदा खड़ रखा है। अब यार यहाँ पे बंदे को डैमेज तो मैंने थोड़ा बहुत दे दिया था, लेकिन यार बंदा जोन से ही फिनिश हो जाता है। तो यार ये वाले मैच में मतलब स्टार्टिंग में एक हैकर बैन हुआ था, और लास्ट में मेरे को कोई बंदा लगा नहीं यार जो कि हैकर है। तो यार ये वाले गेम में भी अपने को 21 का ही प्लस मिला। तो यार ये भाई की आईडी से अभी फिलहाल एस तो हो चुकी है, तो अभी डेली का अपना ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है। तो यार आप लोग भी दोबारा से ट्राई कर सकते हो जिन लोगों ने यार एस के ऊपर आके रैंक पुश छोड़ दिया था। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। 100 के यार अपने को जल्दी से कम्प्लीट करवाने हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। और बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी आके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।